नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज फोर भोजपुर न्यूज नेटवर्क। तो दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे चैनल में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, यदि आप हमारा यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, और यदि आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, फेसबुक पर हम रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं करते हैं, इसलिए आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए न्यूज 444 न्यूज नेटवर्क, और आपको वहां हमारी सारी वीडियो मिलेगी और आप हमसे जुड़े रह सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार के वार्ड सदस्यों की, और वार्ड सदस्यों के बाद हम बात करेंगे पंच लोगों के बारे में भी संक्षिप्त जानकारी देंगे। तो दोस्तों, बिहार के वार्ड सदस्यों को क्या व्यापक अधिकार सौंपे गए हैं, और आने वाले दिनों में वार्ड सदस्यों के जिम्मे कौन कौन से कार्य होंगे, वार्ड सदस्यों को कितना वेतन और भत्ता मिलेगा, और क्या क्या कार्य दिया जाएगा, इन सारी बातों को हम बहुत ही कम समय लेते हुए अगले 2-3 मिनट में आपको बता देंगे। इसलिए आप वीडियो में बने रहिए, स्किप मत कीजिए और पूरा वीडियो देखिए। तो दोस्तों, बिहार में आप सभी जानते हैं कि पंचायत चुनाव पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है, और पंचायत चुनाव समाप्ति के उपरांत सभी लोगों के जो है कि निर्वाचित जो वार्ड सदस्य हैं, पंच हैं, मुखिया हैं, सरपंच हैं, इन लोगों के नाम का और पद नाम के साथ गजट प्रकाशन जिला में 18 तारीख को कर दिया जाएगा। सभी जिला पदाधिकारी अपने जिलों में 18 तारीख को एक गजट प्रकाशित करेंगे, जिसमें निर्वाचित प्रतिनिधियों का नाम और पद नाम होगा। उसके साथ ही शपथ ग्रहण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी, और आने वाले 1-2 रोज में 18 के बाद जब भी कराए सरकार शपथ ग्रहण की प्रक्रिया समाप्त करवाएगी, और तुरंत उप सरपंच, उप मुखिया और प्रमुख का चुनाव के साथ साथ जिला परिषद के अध्यक्षों का चुनाव भी संपन्न करवा लेगी। ये जब सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तब विकास का जो है कि काम शुरू हो जाएगा, और विकास की योजनाओं में क्रियान्वयन शुरू हो जाएगा। और बिहार सरकार चाहती है कि आने वाले दिनों में बिहार का चहुंमुखी विकास हो, इसके लिए वार्ड सदस्यों को व्यापक अधिकार और वेतन भत्ते का प्रावधान किया है। तो दोस्तों, पहले वार्ड सदस्यों को मात्र महज 500 रुपये जो मानदेय है मिलता था, बिहार के वार्ड सदस्यों को महज 500 रुपये मानदेय मिलता था, लेकिन इसको बढ़ाकर सरकार ने 2500 रुपये कर दिया है। चूंकि सरकार यह घोषणा कर चुकी है कि वार्ड सदस्यों को 500 रुपये के अतिरिक्त 2000 रुपये उन्हें मानदेय और दिया जाएगा, और कुल मिलाकर 2500 रुपये इन्हें मानदेय की राशि दी जाएगी। साथ ही बिहार के वार्ड सदस्यों को 2000 रुपये जो है कि रख रखाव के लिए और मेंटेनेंस कार्य के लिए अलग से दिए जाएंगे, यानी कि 4500 रुपये पर मंथ वार्ड सदस्यों के खाते में सरकार भेजेगी। और इसके अलावा वार्ड प्रबंधन समिति के अध्यक्ष चूंकि वार्ड सदस्य होते हैं, तो वार्ड सदस्यों को जो है कि बिहार में जितनी भी 7 निश्चय की योजनाएँ चलेंगी उन सब की राशि वार्ड सदस्यों के खाते में जाएगी, और आने वाले 15 तारीख तक यानी कि 15 जनवरी तक बिहार के सभी वार्ड सदस्यों को वार्ड प्रबंधन समिति का गठन पूर्ण रूप से कर लेना है, इसका भी आदेश सरकार जारी कर चुकी है। और चूंकि वार्ड सदस्य जो होते हैं वो मुखिया के कार्यकारिणी के सदस्य भी होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं, इसलिए पंचायत में जितनी भी कमिटियां बनेगी, चाहे वो विकास कमिटी हो, शिक्षा समिति हो, सामाजिक न्याय समिति हो, ये सारी समितियों का गठन होगा, जिसमें वार्ड सदस्यों को अध्यक्ष समितियों का तो बनाया ही जाएगा, क्योंकि वार्ड सदस्य जो है कि पदेन अध्यक्ष हैं जो है कि वार्ड प्रबंधन समिति के, इसलिए वार्ड प्रबंधन समिति अपना काम जो है बिहार में कितनी अच्छी तरह कर पाए, इसका सारा दारोमदार वार्ड सदस्यों पर है। तो हमें उम्मीद है कि आपको वार्ड सदस्यों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो है इस वीडियो में हमने आपको दे दिया है। इसके अलावा भी यदि आप कुछ जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो में कमेंट करेंगे, तो हम उससे संबंधित जानकारी आपको मुहैया कराएंगे। अब बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जो कि वार्ड सदस्य होते हैं, उसी तरह वार्डों में एक पंच का निर्वाचन होता है। तो पंचों का अधिकार और कर्तव्य क्या है, चूंकि पंचगण हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं और वीडियो में कॉमेंट करते हैं, तो आप जान लीजिए पंच जो होते हैं वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के उपाध्यक्ष होते हैं, और जो प्रबंधन समिति विकास का कार्य करती है उसमें पंचों का हस्ताक्षर भी अनिवार्य होता है। अतः पंच जो होते हैं वार्ड प्रबंधन समिति के एक सदस्य के रूप में और उपाध्यक्ष के रूप में पदेन सदस्य होते हैं, इसलिए पंचों का भी विकास योजनाओं में सहभागिता सरकार ने दिया है।
इसके अलावे जो है कि पंच क्या करते हैं, तो पंच जो होते हैं सरपंच से जुड़े हुए होते हैं, उनको न्यायिक कार्य करना होता है। तो चूंकि पंच जो है कि जब भी न्यायपीठ का गठन होता है किसी मुकदमे के सुनवाई के लिए, तो पंचों को न्यायपीठ में एक सदस्य के रूप में जो पक्षकार होते हैं, जो केस करने वाले होते हैं और जो केस जिनके ऊपर हुआ होता है, उनको दो दो पंच मनोनीत करने का अधिकार होता है और ये लोग केस का सुनवाई करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको पंच लोगों को जो है कि 500 रुपये पर मंथ भी मानदेय दिया जाता है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में सरकार जो है कि इनके मानदेय में एक सम्मानजनक वृद्धि करेगी। तो उम्मीद है कि पंच लोगों को सारी जानकारी पता चल गई होगी। इसके अलावा भी आप लोग कुछ जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो में कमेंट करेंगे तो हम आपको जानकारी मुहैया कराएंगे। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए, हमारे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय बिहार।